हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो टेंथ क्लास, आज का टॉपिक है हमारा बेसिस। बेसिस होते क्या है वो आप चीज पढ़ के आ चुके हो। जो पानी में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे KOH, NaOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है उसे हम बेस कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस। बेसिस के बारे में हमने थोड़ा और पढ़ा कि बेसिस है उनको अल्कली भी कहते हैं। अल्कली कब कहा जाता है? वो बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं। सारे अल्कली बेसिस है पर ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ये स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड क्लास का। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आज हम करेंगे बेसिस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो जैसा दिखता है, मतलब नजर कैसा आ रहा है। अब ये मार्कर है आपको कैसा नजर, सर व्हाइट कलर का है, इसके ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर एक कैप है, ठीक है, ये सॉलिड है। तो जो दिख रहा है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बेसिस कैसे नजर आते हैं? बीटर इन टेस्ट, कड़वे हैं। जैसे करेला, करेला जब खाते हो कड़वा है ना, ठीक है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत बढ़िया है। सोपी इन टच, सोपी इन टच का मतलब क्या होता है? जब आप हाथ में करेले को काटिए, आप हाथ के अंदर ऐसे उसके बीज को करोगे तो चिकनाहट सी आएगी, उसको बोलते हैं सोपी इन टच। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मैं इंडिकेटर में करा चुका हूँ। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो हमें लाइकन से मिलता है। जब रेड लिटमस को हम डालेंगे किसी बेस के साथ, वो रेड से कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ओके, बीइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, कहने का मतलब जब पानी में घोलेंगे आयंस में टूट जाता है जी, आयंस में टूटेगा तो बिजली कंडक्ट करेगा जी, और एक्वस मीडियम में या मोल्टन स्टेट में जो बेसिस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज दे ब्रोकन डाउन इनटू आयंस। अगर कोई चीज आयंस में नहीं टूटेगी तो बिजली पैदा नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH आर क्रोसिव इन नेचर। ये जैसे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्रोसिव है नेचर में, मतलब क्या हो गया? ये जैसे आपकी स्किन के ऊपर गिरेगा तो बर्निंग, आपको कैसी सेंसेशन फील होगी? बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, तो आपकी स्किन को जला सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आई होप समझ में आया होगा, पिछला लेक्चर भी रिवाइज हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ।